हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू लर्न फिफ्थ स्टैंडर्ड हिस्ट्री मीन्स ईवीएस 2 लेसन नंबर 10, दैट इज़ हिस्टोरिक पीरियड। स्टूडेंट्स, इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, सो इस लेसन को तो मैंने बहुत पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, सो आई होप कि आपने देख लिया होगा। देख लिया होगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लगने वाले हैं। ठीक है, देखो जितने सारे क्वेश्चन आपके इस लेसन में दिए गए हैं इस बुक में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है शायद, जो कि आपके डाइजेस्ट या फिर आपकी वर्कबुक का है। सो देख लीजिए, सारा ही बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है। वेयर डिड द पीपल इन द न्यू स्टोन एज स्टेब्लिश देयर विलेज सेटलमेंट्स? द पीपल इन द न्यू स्टोन एज स्टेब्लिश देयर विलेज सेटलमेंट्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। What articles were the Harappan craftsmen skilled at making? The Harappan craftsmen were highly skilled in making bronze objects and beads from semi-precious stones of different colors. अब हम यहाँ पे देखते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर आपको बताना है यहाँ पे। What are some of the well-known characteristics of Harappan cities? So the well-known characteristics of Harappan cities are systematic town planning. The houses were built in blocks created by parallel roads that crossed each other at right angles. Huge granaries and spacious house. Concern for public hygiene indicated by bathrooms and latrines in every house and a covered drainage system. Carefully constructed private and public wells. City divided into 2 to 4 parts, each having a separate fortification. What made the soil on the banks of the Nile fertile? The river Nile gate flooded. Adjustment यहाँ पे B का question देखते हैं हम यहाँ पे। Okay. यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी मैं समझा रही हूँ आपको। ओके, सो ये सारा हमने देख लिया। यहाँ पे देखते हैं आंसर। द रिवर नाइल गेट फ्लॉडेड एवरी ईयर, हर साल बाढ़ आती है वहाँ पे। The land along her banks has become very fertile due to flood deposits. जो फ्लड आता है ना, उसके बाद तहस नहस तो हो जाता है, बहुत कुछ डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन उसके बाद वहाँ की जो ज़मीन होती है वो बहुत ही फर्टाइल हो जाती है। Small embankments were built on the river to store the flood water. After the soil in the flood water settled to the bottom, the water was used for irrigation. कम्प्लीट द फॉलोइंग चार्ट। रिवराइन सिविलाइजेशन, यहाँ पे देखिए नाइल जो कि इजिप्ट में है, ह्यूंग है ये चाइना में है, इंडस ये इंडिया में है, एंड मेसोपोटामिया में है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। तो ये अलग अलग रिवर्स के नेम हैं, ये सारा आपको बुक में दिया गया है। और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये मैंने आपको लिख के दिया हुआ, ये सारे आंसर्स आपको लिखने हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ इसके भी, ये सारे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसका क्वेश्चन यहाँ पे है। समझ में आया आपको? चलिए अब आगे। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, अब यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं कई सारी और इसके आगे क्वेश्चंस नहीं हैं, पर यहाँ पे देखिए और भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखा है। सो आंसर इन वन सेंटेंस, हाउ आर रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल? Written records are available in the form of inscriptions, manuscripts, books, etc. What brought an end to the New Stone Age? With the rise of ancient civilization, the New Stone Age came to an end and the historic period began. What is the significant difference between humans and animals? Animals do not bring about change in their environment. Whereas humans change the character of their surroundings, they process substances from nature to suit their needs. This is the significant difference between humans and animals.
वेयर डिड द पीपल इन द न्यू स्टोन एज एस्टेब्लिश द देयर विलेज सेटलमेंट्स. द पीपल इन द न्यू स्टोन एज एस्टेब्लिश देयर विलेज सेटलमेंट्स ऑन द बैंक्स ऑफ वेरियस रिवर्स. अलग अलग नदियों के किनारे पे अपना सेटलमेंट्स बनाया था. वाई डिड द पीपल इन द न्यू स्टोन एज एस्टेब्लिश देयर विलेज सेटलमेंट्स ऑन द बैंक्स ऑफ वेरियस रिवर्स. फर्टाइल सॉइल एंड कॉन्स्टेंट वाटर सप्लाई आर एसेंशियल टू ग्रो गुड क्रॉप्स. सिंस द पीपल इन द न्यू स्टोन एज फॉलोड द एग्रीकल्चरल वे ऑफ लाइफ दे एस्टेब्लिश्ड देयर विलेज सेटलमेंट्स ऑन द बैंक्स ऑफ वेरियस रिवर्स. वॉट गेव राइज टू द अर्ली सिविलाइजेशन. इंक्रीज प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल स्किल्स द यूज ऑफ द व्हील फ्लोरिशिंग ऑफ ट्रेड यूज ऑफ वेल डिवेलप्ड स्क्रिप्ट एट्सेट्रा गेव राइज टू द अर्ली सिविलाइजेशन. इन विच फोर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड डिड द एंशियंट सिविलाइजेशन कम इन टू एग्जिस्टेंस. मेसोपोटामिया, इजिप्ट, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना आर द फोर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर एंशियंट सिविलाइजेशन केम इन टू एग्जिस्टेंस. वॉट आर दीज फोर सिविलाइजेशंस कॉल्ड वाई द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन दीज फोर रीजन्स डिवेलप्ड इन रिवर वैलीज एंड हेंस दे आर कॉल्ड रिवराइन सिविलाइजेशंस. वॉट डज मेसोपोटामिया मीन. मेसोपोटामिया मीन्स लैंड बिटवीन टू रिवर्स. इसका मतलब ही क्या है, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच में एक लैंड. बिटवीन विच टू रिवर्स डिड मेसोपोटामिया ब्लूम. मेसोपोटामिया ब्लूम्ड बिटवीन द टू रिवर्स टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स. विच वेयर द एंशियंट सिटीज इन मेसोपोटामिया. सिटीज लाइक उर उरुक निपुर ब्लॉसम्ड इन एंशियंट मेसोपोटामिया. वेयर डिड द इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लरिश. द इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड along the banks of river Nile in the north of Africa. Where did the ancient civilization at China flourish? The ancient civilization of China flourished in the valley of the Huang He River. What did the Chinese king introduce to the civilization? A Chinese king, Huangdi, introduced agriculture, animal husbandry, wheeled carts and chariots, boats and clothing in China. What was the ancient Chinese belief? The ancient Chinese believed that their queen invented the technique of silk production and silk dyeing. Now filling the blanks. यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन भी दे सकते हैं ब्रैकेट्स में, लाइक रिटर्न, ओरल, फिजिकल. ऐसे तीन ऑप्शन दे सकते हैं, चार ऑप्शन दे सकते हैं. आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा. ओके, यहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुक्स एट्सेट्रा. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, रिटर्न. वी ह्यूमंस चेंज द नेचुरल कैरेक्टर ऑफ आर डैश टू सम एक्सटेंट. क्या आएगा, सराउंडिंग्स. ह्यूमंस डू नॉट ईट देयर फूड इन इट्स नेचुरल फॉर्म एज अदर एनिमल्स डू. Humans make pots, bricks and many other things from clay. Cultures which flourished in the New Stone Age were based on an agricultural way of life. Fertile soil and constant water supply are essential to grow good crop. People in the New Stone Age established their village settlements on the banks of various rivers. न्यू स्टोन एज कल्चरल गेव राइज टू अर्ली सिविलाइजेशंस. तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए, आप सारे यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर रिवराइन है. यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया इज़ द नेम ऑफ अ रीजन. ये किसका नाम है, एक रीजन का नाम है. यहाँ पे देखिए, पुराना जो मेसोपोटामिया था, तो ये दो नदियों के बीच में बना है. एक नदी है टिग्रिस, एक है यूफ्रेट्स. एंशियंट मेसोपोटामिया हैज़ ग्रेट सिटीज़ लाइक, ये बड़ी बड़ी कुछ ये क्या है, सिटीज़ हैं ये तीनों मेसोपोटामिया में. द रिवर नाइल फ्लोज थ्रू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट के ईस्टर्न पार्ट से ये बहती है नदी. यहाँ पे देखिए, एंशियंट सिविलाइजेशन, वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन फ्लरिश अमंग द बैंक्स ऑफ रिवर नाइल इज़ नोन एज इजिप्शियन सिविलाइजेशन. ठीक है, जो नाइल नदी के किनारे जो सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई, उसे कहा गया इजिप्शियन सिविलाइजेशन. ओके, द एंशियंट सिविलाइज
सिविलाइजेशन ऑफ चाइना डिवेलप्ड एंड फ्लरिश्ड इन द वैली ऑफ द ह्योंग हे रिवर। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज ट्रेडिशन अ किंग नेम्ड ह्योंग डी इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री कार्ट्स। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी एक बार। यहाँ पे देखिए ये बीजिंग लियोंग चांग ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ है चाइना के एंशियंट चाइना के। अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो पुरानी सिविलाइजेशन है इंडिया में वो हड़प्पन सिविलाइजेशन है। यहाँ पे देखिए आपको ब्रीफ यानी कि आपको इस पर थोड़ा ब्रीफ में थोड़ा डिटेल में लिखना है। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज़ कल्चर? कल्चर क्या है? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो लिख सकते हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके कल्चर क्या है ये आपको बताना है। ये तुमने पढ़ा है मैंने आपको समझाया था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए व्हाट मेड द सॉइल फर्टाइल ऑन द बैंक्स ऑफ नाइल। नाइल बैंक के किनारे जो सॉइल है मिट्टी है वो फर्टाइल इतनी फर्टाइल उपजाऊ क्यों हो जाती है? ठीक है तुम्हें पता है हर साल वहाँ पे फ्लड आता है और फ्लड जो होता है कि फ्लड में सारी चीज़ें बह के आती हैं फिर सड़ती हैं तो क्या होता है मिट्टी बहुत ही फर्टाइल हो जाती हैं। और यहाँ पे देखिए ये पूरा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आंसर आप लिख लीजिए। ओके मैं एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो लेंथी हो जाएगा काफ़ी। यहाँ पे देखिए व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्दन पॉट्स मेड बाय द हड़प्पन्स। क्या करेक्टरिस्टिक्स है क्या विशेषताएँ हैं अर्दन पॉट्स के जो हड़प्पन ने बनाया है? तो यहाँ पे देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्दन पॉट्स मेड बाय द हड़प्पन ये है पॉइंट वन पॉइंट टू करके दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए तीनों है। फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ म्यूजिक एंड डांस वर इम्पॉर्टेंट इन अर्ली सिविलाइजेशंस। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि म्यूज़िक और डांस पुराने अर्ली सिविलाइजेशन में जो स्टार्टिंग के सिविलाइजेशन थे तो डांस एंड म्यूज़िक क्यों इम्पॉर्टेंट था इतना? क्योंकि वही तो एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया था और सेलिब्रेशन वो कुछ भी करते थे फेस्टिवल तो वो यही करते थे है ना। तो मोहनजोदाड़ो भी एक बहुत ही बड़ा एविडेंस है कि वहाँ पे भी डांस और ये सारी चीज़ें म्यूज़िक ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी क्योंकि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है जैसे बलग एंड सेम्बल्स रैटल्स फ्लूट्स ड्रम्स ये सब मिला है सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मिले हैं। विच वर द गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन। क्या था एंशियंट सिविलाइजेशन के गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्या थे? चेस जिसे क्या बोला जाता सिमिलर टू नोन एज सेनाट चेस के जैसा ही था उसे सेनाट बोला जाता था। ओके तो चेस खेलते थे वो लोग गेम इजिप्ट इजिप्ट के लोग खेलते थे ठीक है। और हमें पता है हमारे लोग भी ये सारे गेम्स बहुत सारे गेम्स खेला करते थे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस जितने थे मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिया है जो आपके डाइजेस्ट एंड वर्कबुक के हैं। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कर दीजिए ठीक है ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए आपको हेल्प मिल रही है तो ओके।